दोस्तों मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के खूबसूरत टाउन बुगरासी में। बुगरासी में जो चेयरमैन हैं आरिफ सईद खान, उनके बैंकेट हॉल पर जो आज एक मैंगो फेस्टिवल यानी आम महोत्सव हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं, पीछे ये फ्लैग लगा हुआ है, लिखा हुआ है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आयोजक आरिफ सईद खान अध्यक्ष नगर पंचायत बुगरासी, केदारनाथ त्यागी जी अध्यक्ष आम उत्पादन संघ सियाना। तो यहाँ पर कौन कौन सी किस्म के आम लाए गए हैं, किस किसने आम लगाए हैं, आम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चौंसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, नादर मनोटा है, अमरपाली है, कैसे कैसे इनके नाम हैं, क्यों इनके नाम रखे गए हैं, आम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फलों का राजा है लेकिन नाम है आम, और अगर आम की बात ना हो तो फिर बेकार है। लोग जो देखते हैं उनका दिल ललचाता है, खाने को दिल करता है, खाकर पेट तो भर जाता है लेकिन मन और नियत नहीं भरती है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा फेस्टिवल जो हर साल होता है, इस फेस्टिवल की क्या खासियत है, और इस फेस्टिवल की ये खासियत ये है कि इस फेस्टिवल में ऑर्गेनिक आमों को भी जगह दी गई है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाऊँगा कि चौंसा, लंगड़ा, दशहरी किस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से ये आम पैदा किए जा सकते हैं। तो मेरे साथ अभी थोड़ी देर में मुखातिब होंगे नासिर खान साहब बुगरासी से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से किस्म के आम उनके बाग से यहाँ लाए गए हैं और इस आम महोत्सव में उनको दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर खान है, मेरा ताल्लुक बुगरासी से है और मैं 40 साल करीब गल्फ में रहकर आया हूँ और फिर अपने आबाई काम जो हमारे बुज़ुर्गों का था फार्मिंग का, वो शुरू किया है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कुछ आमों से। ये राम केला है जो सिर्फ और सिर्फ अचार के काम आता है, समझ गए आप, समझ गए। और ये गुलाब जामुन है जो यहाँ पर पूरी बार बस्ती में हरी बाग में होता है, और ये लंगड़ी की ही एक किस्म है, उससे बनाया गया है इसे, तो और खाने में बहुत लजीज। और ये लंगड़ा ज़रा नाजुक होता है, ये देरपा है, ये काफ़ी चलता है। और ये सब लंगड़ा है, और लंगड़े के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इसका नाम लंगड़ा क्यों पड़ा, एक अजीबोगरीब नाम लंगड़ा क्यों पड़ा जनाब। अजीब लंगड़ा इसलिए पड़ा कि बनारस से आया और जिन फार्मर्स थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया वो फिजिकली डिसेबल्ड थे, फिजिकली चैलेंज थे, अपाहज थे, तो इस वजह से इसका नाम लंगड़ा पड़ा, तो ये हो गया साहब। अब साहब आइए आप, और ये चौंसा है, जैसे आमों का राजा आम है तो ऐसे राजा आम चौंसा है, किंग ऑफ द मैंगोज है। अब इसका नाम चौंसा क्यों पड़ा, ये बहुत ज़रूरी है बताना। ये कस्बा है बिहार में चौंसा, वहाँ पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट दी थी, तो उसके बाद इस आम का नाम ही चौंसा रख दिया गया है ये, और ये बिहार से आया है हमारे यहाँ। ओके अच्छा साहब, और ये लंगड़ा है, इस लंगड़े को हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ये कोरिया कर रहे हैं हम लोग और जापान में जा रहा है। ये हमारे चौहान साहब हैं, चौधरी कृपाल सिंह, घुंघरावली में उनका बाग है, बड़ा अच्छा मेंटेन किया उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और उसकी तारीफ ये है ख़ास उनकी कि ये अभी सेल नहीं करते, ये खुद ही फार्मिंग करते हैं। तो ये इसका नाम सुरखा है, ये जितना भी पकता रहेगा ये रंग बदलता रहेगा, सुर्खी मायल होता जाएगा, इसलिए इसका नाम सुरखा है, समझ गए साहब। लंगड़े की हिस्ट्री तो आप पहले ही बता चुके हैं, ये लंगड़े की मैं नहीं बताता हूँ, और ये चौहान साहब का है कि बाग का है घुंघरावली का, और ये मेरे ख्याल से इस वक्त जितने आम आए हैं उनमें सबसे खूबसूरत आम है हमारे यहाँ। हाँ मैं भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा, ये चौंसा है, ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी है हमारी, और ये भी घुंघरावली के चौहान साहब के कृपाल सिंह के बाग का है ये, समझ गए साहब। अब ये ताहिर मियां बताएंगे आपको इसके बारे में। जलाल नाम बता दिया आपने जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और जलालपुर का रहने वाला हूँ मैं, उगरासी के करीब में ही गांव है। और देखिए ये चौंसे के बारे में बता ही चुके हैं नासिर भाई, और अमरपाली के बारे में, अमरपाली है ये आम जो है, ये कई मरतबा साल में, इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक ही मरतबा नहीं है, बाकी आम तो बार बार मतलब एक ही मरतबा आते हैं, लेकिन ये दो मरतबा भी आता है पेड़ पे, और इसका अच्छा बड़ा जायकेदार आम होता है, और
इसको बाकी इसके बारे में मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो अमरपाली क्यों पड़ा। हुसन नारा आम की बात करें जी 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 तो जी इसका हुसन नारा नाम इसके हुसन की वजह से पड़ा जी, या कुछ और वजह जी हुसन की वजह से पड़ा है। अच्छा। और ये खूबसूरत होने के साथ साथ ये जो है चूसने वाला आम है और बारीक रस वाला बहुत ही और बहुत ही जायकेदार है। अब अगर नेक्स्ट आम की बात की जाए फजरी जी, इसका क्या यूज़ होता है और ये कब इस्तेमाल में आता है? ये सबसे आखिर में आम खाया जाता है, जबकि सब आम निमट जाते हैं तो ये सबसे आखिर में ये आम खाया जाता, और वक्त के अतबार से जब इसमें मिठास पैदा होती है तो ये बहुत अच्छा जायकेदार आम हो जाता है। और ये गूदे वाला आम ज़्यादा है, ये अगर जूस में भी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा बहुत सारा जूस वगैरह निकलता है इसमें और बड़ा ज़्यादा गूदेदार है। इसलिए बात करें अगर नाजर मनोटे की जी जी, ये आम पुश्ता भी कहलाता जी है, जी जी पुश्ते वाला जी, तो ये मुझे लगता है कि चौंसा हो, लंगड़ा हो, दशहरी हो, लेकिन पुश्ते के आम के आगे जी तमाम आम खेले, क्योंकि छोटा भले ही है लेकिन मजे में ही मजे खड़े कर मजे खड़े कर देता है। जायकेदार इतना है, खुशबूदार इतना है कि जिसकी खुशबू की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुगरासी क्षेत्र के गाँव रूखी से किसान केदारनाथ त्यागी, मेरे आज आम डिस्प्ले पे लगे हुए हैं जिसमें सबसे पहला आम है कृष्ण भोग, जो बिहार की सबसे प्रसिद्ध वैरायटियों में से एक है। ये बिहार की वैरायटी है और बहुत इम्पोर्टेंट मैंगो है वहाँ का। दूसरे आम के बारे में जानना चाहूँगा जो ये सामने रखा हुआ है, आम इसके बारे में। ये मैनमेड मैंगो है, ये अरुणिमा है, ये सेंसेशन को इसमें क्रॉस करके बनाया गया, कलर उससे लिया गया है और इसकी स्टेइंग कैपेसिटी 15 दिन है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये इसके नंबर 3 पर आता है आम्रपाली, ये भी मैन मेड है, हाइब्रिड है, नीलम और दशहरी के क्रॉस से बना हुआ है ये, ठीक है जी। ये इसकी भी स्टेइंग कैपेसिटी 15 दिन है। फिर आती है मल्लिका, ये भी नीलम और दशहरी की क्रोमोसोम से बनी हुई है और इसकी कैपेसिटी भी 15 दिन रहने की है। इन सब आमों का ये मैन मेड और वो बिहार का स्पेशल आम है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये रटोल सब जानते हैं इसको, ये पकता जाएगा, पीले रंग का पड़ता जाएगा, इसकी खुशबू लाजवाब है, यानी कि किसी आम में खुशबू है ही नहीं जो इसके अंदर है, ठीक है जी। अब ये आती है हमारी दशहरी, ये बैग दशहरी, इस पर लिखा हुआ है संरक्षित दशहरी, ये बैग में रखी गई थी, स्पॉटलेस होती है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई स्पॉट नहीं होता जो कि सामान्य दशहरी में होता है। ये दशहरी से मिलती जुलती है किस्म है, लेकिन दशहरी नहीं है, ये आमन है और इसकी पहचान ये इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ये जो कि दशहरी में नहीं होते। उसके बाद ये लखनऊ की तरफ से प्रसिद्ध वैरायटी है खासुल खास, ये आम है, पल्प बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें पानी नहीं होता, ये मुंह में खाएंगे एकदम खुश्क सब्जी की तरह महसूस देगा तुम्हें। और ये बचा के रखा गया बॉम्बे ग्रीन है, जो सीजन का एंड हो चुका है, प्रदर्शनी के लिए रोक लिया गया था इसके, ये है। और ये गुजरात फेमस आम है केसर, जो कि छोटा साइज बचा है, बड़े वाले सब टपक गए। अच्छा, हम देखते हैं, मैं अभी जब ऑफ कैमरा बात चल रही थी तो बात हो रही थी कि हमारे यहाँ के जो आम होते हैं नॉर्मली वो 4 से 5 दिन में खराब हो जाते हैं जी, लेकिन आप इन आमों की खासियत बता रहे थे कि कितने दिन तक आम चल जाता है? ये 15 दिन चल जाता है, चूँकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है। अच्छा, है मैनमेड सब? वो मैनमेड है चूँकि क्रॉस करके बनाए गए, लेबोरेटरी प्रोडक्शन है ये, अरे इसीलिए बनाए गए हैं चूँकि ये सड़े नहीं, ये एक्सपोर्ट हो सकें, हम अपने आम को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, 48 घंटे में जापान पहुंचना होता है वरना वो रास्ते में स्पॉइल हो जाता है। तो इसकी कैपेसिटी जो है 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू।